इस बार तो हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी के तरफ हैं। संजय कुशवाहा जी की तरफ जी जी, फेंकने से थोड़ी होता है, फेंक रहे आदमी फेंक देते हैं, वो फेंक रहे हैं पकड़ के, दनादन फेंके जा रहे हैं, जो मन आता है सो फेंकते हैं, चुनाव है कुछ कुछ फेंक रहे हैं पकड़ के। मोदी जी क्या गारंटी लेंगे, हम लोग बिजनेस मैन है, रुपया निकालने में भी टैक्स लगता है, जमा करने में भी टैक्स लगता है। पहले 15-20 लाख रुपया महीना या 10 रोज में निकालते थे तो कोई टैक्स नहीं लगता, अब हैंड लेन और कौन कौन लेन जोड़ दिया है मोदी जी, उसका कोई ठिकान नहीं चलते। हम लोग तो बिजनेस मैन है, हम लोग तो RJD सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई बर्ताव नहीं होता था बिजनेस मैन के लिए। चिराग जी का डंका पहले जमुई में भी बजता था, अब हाजीपुर में, लेकिन सब जगह मेरा RJD का जो है ना डंका बज रहा है। RJD का डंका? हाँ, RJD का डंका बज रहा है। कहाँ गारंटी है, 15 लाख रुपया आ गया किसी खाता में, नहीं आया है, कहाँ वादा उसका पूरा हुआ? काम करे या न करे है तो देना तो उसी को है, देना उसी को है। 2024 लोकसभा चुनाव का शुरुआत हो चुका है और ऐसे में देखिए आज प्रथम चरण का मतदान है 4 लोकसभा क्षेत्र में, और इसी क्रम में हम तीसरे फेज में जो चुनाव होना है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पहुँच गए हैं, खास करके अलौली विधानसभा, और यहाँ की जनता का राय जानेंगे कि इस बार मूड क्या है, किस तरफ हवा का रुख है, क्योंकि एक तरफ राजेश वर्मा है जो बिजनेसमैन है तो दूसरी तरफ संजय कुमार कुशवाहा जी हैं। आखिर वोट पड़ेगा तो पड़ेगा किसको, क्योंकि इस बार जो है जाति की राजनीति चल रही है, अग्रा बनाम पिछड़ा चल रहा है। देखिए यहाँ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी बताइए, हवा का रुख किस तरफ है इस बार? इस बार तो हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी के तरफ हैं। संजय कुशवाहा जी की तरफ? जी जी। मोदी जी तो गारंटी ले रहे हैं, मोदी जी झूठा गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, खाली बोलते हैं, झूठा बात ही बोलते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं खूब काम कर रहे हैं, कहाँ काम नहीं हुआ बताइए। फेंकने से थोड़ी होता है, फेंक रहे आदमी फेंक देते हैं, वो फेंक रहे हैं पकड़ के, दनादन फेंके जा रहे हैं, जो मन आता है सो फेंकते हैं, चुनाव है कुछ कुछ फेंक रहे हैं पकड़ के। राजेश वर्मा जी कह रहे हैं हम युवा हैं, काम करेंगे युवाओं के लिए। एक कहावत है, थोड़ा सा बरगल है लेकिन बोलते हैं, आदमी कहता है लगे फटने तो खैरात लगे बटने, वही हाल है उनका। अच्छा, उनका जो फट रहा है तो खैरात बांट रहे हैं, फिर चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद कोई काम नहीं होगा, पाँच साल के बाद फिर फेंकेंगे, फिर उनका। राजेश वर्मा जी कोई काम नहीं करेंगे? राजेश वर्मा जी युवा हैं, हम ये नहीं कहते हैं काम नहीं करेंगे, लेकिन लोकल प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी लोकल प्रत्याशी हैं, वो भागलपुर के हैं। कोई भी अपने क्षेत्र के आदमी को देना चाहिए, अगर क्षेत्र का आदमी रहते, अच्छा आदमी रहते तो उनको भी सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो भागलपुर के हैं, यहाँ के हैं नहीं, फिर चुनाव जीत जाएंगे फिर आएंगे नहीं आएंगे उसका कोई ठिकाना है नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये तो लोकल आदमी है, आएंगे ही, जरूर आएंगे। चलिए बिल्कुल जरूर आएंगे। देखिए और भी लोग हैं, हम जानेंगे, क्या नाम हुआ चचा? हमारा नाम है निजाम। निजाम जी ये बताइए किसको इस बार वोट कर रहे हैं? हम लोग तो गठबंधन के हैं, उसी पार्टी से जुड़े तो नहीं ना जी? आज ऐसे तो हम इस जिला के नहीं, हम बेगूसराय जिला के। अच्छा, बेगूसराय जिला के हैं। चलिए देखिए बेगूसराय जिला के हैं, आप कहाँ के हैं? हम तो यहीं अलौली प्रखंड के हैं। अलौली प्रखंड के हैं। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? मतलब तो महागठबंधन को वोट। महागठबंधन को काम करेंगे लग रहा है, महागठबंधन को बिल्कुल करेंगे। मोदी जी तो सिर्फ बात करते हैं, बात में ही उनका दम है, लेकिन काम में दम तो है नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम इतना काम कर दिए जो कोई नहीं करने में तो फर्क है, जमीनी बात नहीं हो रहा है, हवाई बात हो रहा है। 70 साल में कुछ हुआ था जो आए हम ही ना किए, वो कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम उतरता है उसका ही ना वैल्यू है। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं काम हुआ। तो संजय कुमार काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। राजेश वर्मा नहीं करेंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है हमसे। उम्मीद तो नहीं। अरे बिजनेसमैन है, कह रहे हैं पूरा बिजनेस खोल देंगे यहाँ पर कहने और करने में रोजगार मिलेगा। हम तो पहले ही बोल दिया, कहने और करने में ढेर अंतर है। हाँ, उस अंतर को कम कीजिएगा, उसके बाद ही ना हम समझेंगे कि काम हो रहा है। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है, युवा है काम नहीं करेंगे? हाँ युवा है, सही बात है, लेकिन बेहतर जो है सो महागठबंधन का प्रत्याशी जो है। अरे चिराग के आदमी है, वो आपके क्षेत्र के हैं? बिल्कुल, इतना दिन तो पासवान जी भी रहे, लेकिन कहाँ अलौली का उद्धार हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, जहाँ का तहाँ ही अलौली है। अच्छा, चलिए जहाँ का तहाँ ही अलौली है, और भी लोग हैं,
देखिए हम इनसे बात करेंगे जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी बताइए, इस बार हवा का रुख किस तरफ है? हवा का रुख तेजस्वी यादव की तरफ है, तेजस्वी यादव की तरफ जी, है जी जी। अरे मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। मोदी जी क्या गारंटी लेंगे, हम लोग बिजनेस मैन है, रुपया निकालने में भी टैक्स लगता है, जमा करने में भी टैक्स लगता है। पहले 15-20 लाख रुपया महीना या 10 रोज में निकालते थे तो कोई टैक्स नहीं लगता। अब हैंड लेन और कौन कौन लेन जोड़ दिया है मोदी जी, उसका कोई ठिकाना नहीं चलते। एक महीना 5 लाख से बेसी रुपया निकालिए उसका भी टैक्स, जमा करिए उसका भी टैक्स। अच्छा। और 80 लाख से ऊपर हो गया उसका TDS अलग कटाइए। तो हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम लोग तो RJD सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई बर्ताव नहीं होता था बिजनेसमैन के लिए। अच्छा, राजेश वर्मा है, जानते हैं उनको? जी जी, राजेश वर्मा है, वो है भागलपुर के। अच्छा। लेकिन अभी तक उनसे हम लोगों को ना, हमारे क्षेत्र के हैं ना, उनसे हमको परिचय पात हुआ है। हम लोग लोकल हैं। पत्र पर हो जाएगा तो वोट दे दीजिए। नहीं नहीं, कोई भी शर्त पर नहीं वोट देंगे, देंगे तो हम गठबंधन के ही वोट देंगे। अरे चिराग के आदमी है, चिराग जी रहे या चिराग जी का डंका बज रहा है। अरे चिराग जी का डंका पहले जमुई में भी बजता था, अब हाजीपुर में, लेकिन सब जगह मेरा RJD का जो है ना डंका बज रहा है। RJD का डंका? हाँ, RJD का डंका बज रहा है। राजेश वर्मा का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है यलौली विधानसभा में, कोई उपाय नहीं है। रहे हैं कि हम सब काम करेंगे, हमको जनता पूरा तो जितना खर्चा कर लेंगे, जितना लुटा लें, लेकिन RJD का ही डंका बजेगा। रुपया लुटा देंगे तब भी RJD एक डंका बजेगा। चलिए RJD का डंका बजेगा। यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वोट देने जाइएगा ना, वोट देने जाइएगा कि नहीं? वोट देंगे, खर्चा गरीब आदमी कहाँ से देगा वोट? अरे गरीब आदमी को कुछ मिलता है नहीं, क्यों चीज देगा वोट? कौन सी मिलता है? 5 किलो अनाज मिलता है। देखता है वजन उठाते हैं 70-80 किलो। हाँ। तो वजन नहीं मिलता है, कथिल मिलेगा? मोदी जी अनाज नहीं देते, कथिल मिलता है? वो 2 किलो काट लेता है डीलर, 2 किलो डीलर ही काट देता है। तब मोदी जी तो कहते हैं 5 किलो फ्री में दे रहे हैं। मिलता है तो 2 किलो काहे काट लेता है? अच्छा, तो वोट दीजिएगा कि नहीं? वोट देंगे, अपना होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, गरीब आदमी। देखिए आदमी वोट देना होगा, देंगे या नहीं देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोहन कुमार। सोहन जी ये बताइए कि इस बार हवा का रुख किस तरफ है खगड़िया में? देखिए युवा का कहना है कि तेजस्वी यादव को हम सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ जो लोग होंगे उनको सपोर्ट जी। क्यों? क्योंकि देखिए युवा है, नीतीश कुमार अभी तक जो इतना भी काम किए हैं, कभी इधर कभी उधर पलटते जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी वाला वोट है, मोदी जी का देखिए जो भी वादा करते हैं पूरा नहीं हो पाते, पूरा नहीं हो पाते, नहीं होते। मोदी जी कहते गारंटी है, मोदी जी तभी पूरा होता है। कहाँ गारंटी है? 15 लाख रुपया आ गया किसी खाता में, नहीं आया है, कहाँ वादा? वादा उसका पूरा हुआ? आपके क्षेत्र में तो युवा है, वो कह रहे काम करेंगे। युवा है देखिए, अगर प्रत्याशी अगर रहते खगड़िया के, अपना क्षेत्र के, तो उसको वोट पड़ता। प्रत्याशी है भागलपुर जिला का, मान लीजिए खगड़िया जो है उनको वोट, क्षेत्रीय पार्टी का वोट पड़ेगा उसमें। वो तो कह रहे हैं ना कि हम बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, बाल बच्चा पढ़ेगा ना आपका भी? कहने का तो 50 गो बात है, होगा पहले तभी है ना। बिजनेस है, बिजनेस मान लीजिए बिना अपना जगह पर है। अच्छा, वो काम नहीं करेंगे? नहीं। चलिए वो काम नहीं करेंगे, युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रिंस। प्रिंस जी ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं इससे पहले, मोदी जी जब हैं तो? कोई काम नहीं। राजेश वर्मा जी हैं, वो NDA प्रत्याशी हैं, चिराग जी के आदमी हैं, खास करके काम करेंगे? चिराग का क्रेज है युवा में तो? नहीं नहीं, का हिचक का है रे, वोट दीजिएगा कि नहीं? नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? ले वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? अगर वोटर आईडी कार्ड बनता तो किसको वोट देते हैं? RJD। RJD को कहे? क्यों क्यों क्यों? चलिए देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनिएगा जीजा, क्या नाम हुआ आपका? मोहन यादव। मोहन यादव जी, तब तो लग रहा है तेजस्वी का आदमी है क्या जी? हाँ हाँ। किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी को देंगे। कहे और क्या, तेजस्वी जी काम कर रहे हैं? काम करे या ना करे, यह तो देना तो उसी को है, देना उसी को है। लीजिए, यादव जी हैं, देंगे उसी को भी, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में काम किया है उस काम को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। देखिए ट्रैक्टर पे चढ़े हुए हैं, हम इन चचा से भी जानेंगे कि आखिर क्या रुख है। गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। चचा थोड़े नीचे आइएगा, हम बात करना चाह रहे हैं। चलिए ऊपर से हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने का, और हम ट्रैक्टर पे भी चढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत टफ काम होता है और इस पे चढ़ना। क्या नाम हुआ चचा आपका? हमारा नाम है विदु। थोड़ा सा नीचे बैठ जाइएगा। हाँ। किसको वोट कीजिएगा? ये तेजस्वी को देना है। तेजस्वी को देना है? हाँ। काहे? हाँ। तेजस्वी जी काम करेंगे? करेगा। करेंगे? हाँ।
देखिए तेजस्वी जी का आदमी काम करेंगे और राजेश वर्मा पे उम्मीद कम है। अलग अलग विधानसभा जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, गांव में जान रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है, ये इस बार लोग किसे वोट कर रहे हैं। एक तरफ मोदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन में तेजस्वी यादव के चेहरे पे वोट मांगा जा रहा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस क्षेत्र से आखिर कौन जीत करके आते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे, और ख़ास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के निकले हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, इस बार कौन जीत रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान के आदमी हैं राजेश वर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ CPIM के कैंडिडेट हैं संजय कुमार कुशवाहा जी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, खगड़िया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।